11.5 पीएच पानी निकालने के लिए आपको 2.5 पीएच बटन प्रेस करना है। मेन होज जो ऊपर से निकलता है पाइप, उसमें से 11.5 पीएच पानी निकलेगा। एग्जिट होज जो है ग्रे होज, उसमें से 2.5 पीएच पानी निकलेगा। 2.5 पीएच और 11.5 पीएच के लिए इलेक्ट्रोलिसिस एनहांसर भरा हुआ होना चाहिए। जब जब वो खाली हो जाए तब आपको उसे रीफिल करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस एनहांसर आप एनर्जिक इंडिया की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अगर नोटिस क्लीनिंग या इट क्लींजेस ऐसा नोटिफिकेशन आए तब आपको पानी नहीं लेना है। बटन दबाने के बाद एलईडी लाइट या बटन के आसपास का लाइट ब्लिंक होना बंद ना कर दे तब तक आपको पानी नहीं भरना है। जब आपके वहां कैंगन मशीन इंस्टॉल हो तब फिल्टर रीसेट बटन दबाना ना भूलिएगा। JR2 और SD501 में इस जगह पर वो बटन है। वाटर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और मशीन की लाइफ अच्छी रखने के लिए तीन चीजें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला, सुबह और शाम 2-2 मिनट तक आपको ब्यूटी वाटर निकालना है। दूसरा, हर महीने आपको ई क्लीनिंग करना है। और तीसरा, साल में एक बार डीप क्लीनिंग करना है। अगर आप हर महीने ई क्लीनिंग नहीं करेंगे तो डीप क्लीनिंग जल्दी करना पड़ेगा। ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग के लिए आपको मशीन के साथ में जो सीडी दी गई है उसमें वीडियो देख सकते हैं या तो हमारा वीडियो ले सकते हैं। जब आप कैंगन वाटर मशीन लेते हैं तो उसमें से ये सारी चीजें आपको बॉक्स में ही मिलती है, जिसमें से एक इलेक्ट्रोलिसिस एनहांसर भी होता है। ये बॉक्स और इन सभी चीजों को संभाल कर रखिएगा, ये आपको बाद में काम आ सकता है। अगर आपके वहाँ पावर फ्लक्चुएशन का इश्यू रहता है तो मशीन का प्लग लगाने से पहले सर्ज प्रोटेक्टर लगाइए। रात को सोने से पहले मेन पावर स्विच ऑफ कर सकते हैं, बट पूरे दिन में उसे ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूजेज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। दिन के दौरान अगर आपने मशीन को ऑफ किया हुआ है तो पानी लेने के लिए पहले मशीन को ऑन कीजिए, पानी का फ्लो उसके बाद ऑन कीजिए। पानी ले उसके बाद पानी का फ्लो ऑफ करना है और फिर मशीन को ऑफ करना है। आप पहले जो पानी पीते थे उसे आपको रिप्लेस करना है कैंगन पानी से। ये कोई दवाई नहीं है जो आपको कभी कभार लेना है। कैंगन पानी को आपको रेगुलरली ही लेना है। शुरुआत में आप 8.5 पीएच पानी लेना शुरू कीजिए, उसके 15 दिन से एक महीने के बाद 9 पीएच और उसके 15 दिन से एक महीने के बाद 9.5 पीना शुरू करना है। शुरुआत में पानी पीने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको हेडेक, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसे सिम्टम्स दिखे। चिंता मत कीजिएगा, ये सिर्फ आपका बॉडी कचरा बाहर निकाल रहा है। पानी पीना चालू रखिएगा। और ये सभी लोगों को नहीं होने वाला है, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को शायद ये हो सकता है। कैंगन पानी का मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए जब आप मशीन से पानी निकाले तुरंत ही पी लीजिए लाइव वाटर, या तो आप उसे स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, ऐसे बॉटल या ऐसे जग में जहां हवा अंदर ना जा सके। इसे आप फ्रिज में भी भर सकते हैं, सिर्फ जितना समय जाएगा उतना पानी का गुणवत्ता कम होने वाला है। सो कैंगन पानी पीते रहिए और अपनी हेल्थ को और ज्यादा बेहतर करते रहिए। सिर्फ अकेले मत पिएगा, अपने आसपास भी इस पानी को शेयर कीजिए ताकि हम उनकी भी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर पाए।